नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम और आपके साथ मैं हूं हर्षिता। पीसीसी चीफ कमलनाथ के दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस ने अपनी चुनावी समिति की घोषणा कर दी है। इसमें कई नेता भी शामिल हैं। इसमें आदिवासी नेता को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं इस समिति में क्या कुछ खास है, ये जानने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी सुनील। तो सुनील, बताइए क्या क्या खास बातें समिति की हैं? जी, पीसी चीफ कमलनाथ का जो दिल्ली दौरा था उसी दौरान ये समिति घोषणा की। इसमें चेयरमैन बनाए गए कांतिलाल भूरिया, कमलनाथ इसके संयोजक होंगे, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, विवेक तनखा, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी, अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, विधायक आरिफ मसूद, नकुल नाथ, सज्जन सिंह वर्मा, लक्ष्मण सिंह, शोभा ओझा, राजीव सिंह, अशोक सिंह, इसी तरह से इसमें 32 जो नेता हैं उनको शामिल किया गया। इसके साथ साथ इसमें जो संगठन के जो अन्य संगठन है कांग्रेस के उनके अध्यक्षों को भी शामिल किया गया। तो इस तरह से 34 पॉइंट है, मतलब 34 जो अध्यक्ष और जितने भी सदस्य उनको शामिल किया गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कांग्रेस अपना ही कवायदों में लग चुकी है और चुनाव समिति की घोषणा हो चुकी है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो आगामी जो समय होगा उसमें कांग्रेस इसी के रास्ते आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। और जो चुनाव समिति के जो सदस्य हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। तो कमलनाथ के दौरे के दौरान जो चुनाव समिति की जो घोषणा हुई है वो काफी कुछ महत्वपूर्ण है। हालांकि बीजेपी इस पर सवाल उठाती हुई दिखाई दे रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांतिलाल भूरिया को पिछली बार भी अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सबने देखा कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है ये चुनाव समिति की जो घोषणा हुई है। उसके बाद हम देख सकते हैं कांग्रेस की चुनाव समिति के जो सदस्य हैं उसके साथ ही आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी और अलग अलग जो टास्क हैं उसके आधार पर ये नेता मैदान में दिखाई देंगे। जी, भाजपा ने जो है अब न्यू ज्वाइनिंग टोली भी बनाई है और माना जा रहा है कि इससे वह अपने भाजपा के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी करेगी। तो क्या इसके पीछे की कवायद के पीछे माना जा सकता है कि भाजपा की कुछ अलग तरह की रणनीति है? जी बिल्कुल, यह बीजेपी में पहली बार नवाचार देखने को मिल रहा है कि न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई गई है। इसमें 5 सदस्य है, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा है, जो संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, इसी तरह से चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और इसी तरह से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और मंत्री कमल पटेल। तो इनकी पांचों की आज बैठक हुई और उसमें चर्चा हुई कि जो पार्टी अन्य पार्टियां छोड़कर जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो उनको लेकर क्या क्राइटेरिया तय किया जाए। तो इसको लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी में ज्वाइन करते हैं तो उनके जो बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता है उनका जो मनोबल है वह ना गिरे और उनका जो सम्मान है वह बना रहे। तो इसी तरह से उन्हीं नेताओं को शामिल किया जाएगा जो बीजेपी के जो पुराने नेता है उनका सम्मान बरकरार रखा जाए। इसी तरह से जो मंत्री कमल पटेल है उन्होंने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को की बीजेपी में कोई जगह नहीं है और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को बीजेपी में शामिल नहीं किया जाएगा। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आगामी समय में जो कई नेता है अन्य दलों के वह भी शामिल हो सकते हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी है वह भी बीजेपी का दामन थामते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि न्यू ज्वाइनिंग टोली जो बीजेपी ने बनाई है वो काफी कुछ महत्वपूर्ण है और यह बड़ा नवाचार देखने को मिल रहा है। जी, वहीं अब कांग्रेस में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी माह यानी अगस्त में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। तो क्या भाजपा भी कुछ इस तरह से नवाचार कर सकती है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हमने जिस तरह देखा पीसी चीफ कमलनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं तो इसी दौरान जो कांग्रेस के नेता हैं उनके बयान आ रहे हैं जो 66 सीटें जहां पर दिग्विजय सिंह गए थे उनके टिकट फाइनल हो सकते हैं और अगस्त माह में उनकी सूची आ सकती है। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो भी आपको बता दूं कि कमलनाथ भी जिन जगह पर गए थे वह सीटें 69 जो सीटें हैं उसको लेकर भी जल्द जो हम कह सकते हैं कि टिकट फाइनल की बात जो की जा रही है वह हो सकता है। तो यह 135 सीटें हैं जिसको लेकर कांग्रेस ने लगभग मन बना लिया है कि इन सीटों पर उनके प्रत्याशी कौन होंगे। तो ये 135 सीटें जो होगी काफी कुछ महत्वपूर्ण होगी और अब की बार का जो कमलनाथ का दौरा है वह भी काफी महत्वपूर्ण है। हमने देखा जिस तरह से चुनाव समिति की जो घोषणा हुई वह काफी महत्वपूर्ण है। तो आगामी जो समय होगा वह कांग्रेस के लिए जो फ्रंट लाइन में खेलने का समय हो सकता है। जी सुनील, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की और अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि दोनों ही दलों के प्रयास कितने कारगर साबित होते हैं। ये तो आने वाला विधानसभा चुनाव ही हमें बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।